बोला, तो जैसे ही उनकी नज़र हटी ये लोग जो है वहाँ से टेबल पर जितना सिल्वर का सामान रखा हुआ था उसको उठा करके ले गए थे फ्रॉड का। तो पूरा असेसमेंट नहीं किए हैं हम लोग, लेकिन अभी मेरे हिसाब से करीब करीब 350-300 ग्राम सोने का सामान गया। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि जक्कनपुर थाना अंतर्गत यारपुर के पास आभूषण दुकान में असामाजिक तत्व कुछ जाते हैं और गहने दिखाने के लिए बोलते हैं। जब गहना दिखाने के लिए आभूषण दुकानदार उन्हें एक ज्वेलरी का बॉक्स खुद देते हैं, तो वहां से असामाजिक तत्वों ने के द्वारा आपको बता दें कि अजीबोगरीब घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि वह असामाजिक तत्व वहां से गहने के जो डब्बे होते हैं वह लेकर फरार हो गए हैं और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर घटनास्थल पर पटना पुलिस पहुँच गई है और उसके बाद सीसीटीवी की फुटेज की जांच कर रही है। और यहीं पर काम्या मिश्रा ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। वहाँ पे जो है दो लोग घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है पहले बोला कि हमें ये सारा जितने भी उनके पास सिल्वर का आइटम्स था उन सबको दिखाने के लिए बोला और फिर एक और सामान उनको लाने के लिए बोला, तो जैसे ही उनकी नज़र हटी ये लोग जो है वहाँ से टेबल पर जितना सिल्वर का सामान रखा हुआ था उसको उठा करके ले गए थे फ्रॉड का। अब ये एग्जैक्टली मुझे देख के बताना पड़ेगा, नहीं लूट नहीं है, फ्रॉड है। सीसीटीवी की जाँच की जा रही है। थैंक यू। कैसे क्या हुआ था सर ये बताइए? घटना आज सुबह में करीब 12 बजे की है। मैं सुबह में दुकान पर आया, उसी समय दो सज्जन आए और उन्होंने चांदी का एक सिक्का लिया और सोने का कान का टॉपस खरीदने के लिए बोला और मैंने दिखलाया। उसी क्रम में उन लोगों ने बात में उलझा कर और मेरे दुकान से सोने का सामान जिसमें हम लोग रखते हैं प्लास्टिक का एक डिब्बा में, उसमें से एक डब्बा लेकर दौड़ते हुए जब भागा तो मैंने काउंट किया तो एक डब्बा कम लगा। हम लोग भी काउंटर से निकल करके जब तक दौड़े तब तक वो अपने स्कूटी पर दोनों व्यक्ति बैठे और स्टार्ट कर कर करके नहीं, दोनों जेंट्स थे। करीब करीब एक व्यक्ति 50-55 साल का था और एक 35-40 साल का था। करीब करीब अभी तो पूरा असेसमेंट नहीं किए हैं हम लोग, लेकिन अभी मेरे हिसाब से करीब करीब 350-300 ग्राम सोने का सामान गया। लगभग कितने दाम के होंगे? कितने किलो? 15 से 20 लाख रुपए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिशिर कुमार गुप्ता हुआ, मेरे दुकान का नाम हुआ शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, मीठापुर, पटना। जाहिर सी बात है कि इस घटना को अंजाम देने वाले सातिर अपराधियों की खोजबीन में पुलिस जुट चुकी है और तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द से जल्द उनका दावा है कि पुलिस की वह गिरफ्त में होंगे। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।